सेंटेंस फॉर्म करके बात करते हो जैसे अभी जो मैंने बोला ये दो सेंटेंसेस थे तो से आपने पांच सेंटेंस बनाए इन पांच सेंटेंसेस में से हो सकता है तीन सही होंगे एक का कुछ मीनिंग ज्यादा नहीं होगा और एक गलत होगा और, और ऐसा समझते हैं कि इसमें से सेंटेंस में से पांच में एक ही सेंटेंस गलत है बाकी सारे सही है लेकिन क्या हुआ है पता है आपके चार सेंटेंस ने जो भी आपका गोल था जिसकी तरफ आप जा रहे थे उसमें आपको आगे फेंका और फिर उस एक सेंटेंस ने क्योंकि क्योंकि आपने कुछ गलत बोला है हो सकता है उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए उसे आपको रेक्टिफाई करना पड़े उसमें टाइम जाएगा उसमें प्रोडक्टिविटी जाएगी एनर्जी जाएगी इसलिए आप एक स्टेप पीछे आ जाते हो अब ये थी पांच सेंटेंसेस की बात जब हम दस पे आते हैं ना तो उसमें एक नई चीज ऐड होती है वही नई चीज ये है कि आप जैसे जैसे आगे जाते हो आपका गलतियों का रेशो बढ़ते जाता है ओके

सॉफ्ट सेंटेंसेस बोल रहे हो तो पहले वाले में कम गलती होगी फिर ज्यादा फिर ज्यादा आखिरी वाले जो सेंटेंसेस होंगे ना उनका कुछ सेंस ही नहीं बनेगा सो so, अगर आप ये पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हो तो जितना आप बोलते हो उतना फायदा आपका कम होता है यहाँ पे द मोर यू स्पीक द मोर यू विल लूज योर ग्रिप ऑन देंटेंस अटेंशन मेमरी रिटेंशन वट एवर इट इज दैट यूर ट्राइंग टू कंट्रोल यू आर नॉट गोइंग टू कंट्रोल दैट इस पे एक्चुअली कोड भी है जो बोलता है द मोर यू से मोर यू आर सपोज टू से समिंग और ये बोला है, ने. Way, नहीं पता, 48 जो है वो इन्होंने लिखे तो हो सकता है को सोच के ही बोला होगा. तो ये रही आपके सेंटेंसेस की बात ओके okay? और, और एक चीज आपने पांच सेंटेंस बोले आपकी थोड़ी एनर्जी कंज्यूम हुई ले जैसे आप दो घंटे की स्पीच देते हो तो क्या आप दो घंटे की स्पीच के बाद एग्जॉस्ट हो जाओगे आई होप यू विल बी इफ यू आर नॉट एन एक्सेप्शन यू विल बी सो इसे एक चीज तो प्रूव कर सकते हैं ना कि जितना आप बोलते उतनी एनर्जी आपकी जा रही है, उतनी एनर्जी हो रही है, अब इस आता है। जहां पे, that, see, इंडिया में अक्सर ये बोला जाता है कि जबरदस्ती मत बोलो काम खराब हो जाएगा अब वो कितना सच है कितना झूठ है वो तो मुझे नहीं पता लेकिन एक प्रैक्टिस है कि कोई आपका काम भी खराब कर दे और इसलिए एक कोर्ट है दैट द फिश विथ अ क्लोज माउथ नेवर गेट्स कॉट अगर एक मछली अपना मुंह बन रखे और अपना काम करे तेरे उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है कि अपना काम अपना क्रिएटिविटी में अपनी आर्टिस्टी में अपना दिमाग डालो और अननेसेसरी बातें बंद ही कर दो जितना कम बोलोगे उतना सही रहेगा ओके सो इफ यू आर समवन हुज यू नो थिंकिंग मैं ये कर दूंगा या मैं इस तरह से बोलूंगा या ज़्यादा बोलूंगा तो मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी नहीं कम हो जाएगी आर्ट भी कम हो जाएगा अब थोड़ा सा और इस पार्ट में आते हैं

इस मोमेंट में इस प्रेजेंट स्टेज में हो सकता हूँ क्योंकि मुझे काम अच्छा लगता है लेकिन जब मैं शांत हो जाऊंगा ना तो मैं चीजों को एनालाइज करना शुरू करूंगा अगर आप इस वीडियो को अभी पॉज करें अचानक आप अवेयर हो जाएंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है ये माइंडफुलनेस है राइट और अगर आप दुनिया को शट करके चुप होके अपने अंदर ध्यान दें तो हम उसे मेडिटेशन कहते हैं एक इंसान है जिन्होंने इसके ऊपर बुक लिखी है आई थिंक ने आर मनोचा साइलेंस योर माइंड एक बंदे ने इस सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बुक लिखी है मतलब थोड़ा तो होगा यार और अब जब आप इस मेडिटेटिव स्टेट में जाते हो ना यहां पे बहुत सारे हैल्यूशन आपको मिल जाते हैं जिन सोल्यूशन को आप यहाँ पे पाने की कोशिश कर रहे थे दुनिया की तरफ से वो सोल्यूशन आपको अपने अंदर से आप यहाँ पे मिलेंगे सो so, पहली चीज वेन आर साइलेंट लर्निंग हो रही है मेडिटेटिव स्टेट में चले गए हो सुकून से सोच रहे हो और राइट अब ये लर्निंग का पॉइंट क्या था लर्निंग का पॉइंट ये था कि अगर हम पढ़ते पढ़ते एज अ टीचर अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते क्लास को शांत कर दू उस कॉन्सेप्ट तो अगर अपने अंदर ही सोचना शुरू कर देना तो वो काफी कुछ सीख लेगा इसके लिए इसे एक पेडोगॉज पेडोलॉजिकल अप्रोच बोला जा सकता है ओके okay? यहाँ पे आती है लर्निंग अब जब आप क्लैरिटी से और बैलेंस से हो तो अब क्या होता है अब ये बेस्ट पार्ट है ओके okay. सबसे पहले तो आपने साइलेंस रखी इसका मतलब है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आप तो हो। आप जितनी एनर्जी बोलने में लगाने वाले थे उतनी आपके अंदर अभी है बैठने की क्षमता है अभी उसके साथ में अब आप डीप थिंकिंग करना शुरू कर देते हो आपको नींद नहीं आ रही है अब आप सोचने की कैपेसिटी में हो और आप सोच रहे हो आप क्या सोच रहे हो आप ये सोच रहे हो कि इस प्रॉब्लम को जो भी ये प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कैसे करूं अब जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हो हम अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं ओके okay? और हैरी पॉटर के अंदर एक सीन भी था वेर दे बेसिकली यूज इमेजिनेशन टू काउंटर देयर प्रॉब्लम्स अब जब आप क्रिएटिविटी के अंदर आते हो ना तो क्रिएटिविटी के अंदर एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिकली इन फोटोग्राफी जिसे हम कहते हैं कि थाउजेंड वर्ड्स क्योंकि जितना आप बोल पाते उतना आप एक कैमरे से क्लिक करके दिखा सकते हो और उतना कॉन्टेक्ट उतनी फील उतना अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हो और अगर ध्यान से देखो अभी एक मूवी आई थी क्वाइट प्लेस करके जिसके अंदर जो भी बोलेगा उसको वो एलियंस खा लेंगे या वो मर जाएगा इस मूवी के अंदर ना मुझे जो अच्छी चीज़ लगी वो ये थी कि सेवेंटी परसेंट साइलेंस है लेकिन आपको फीलिंग पूरी अंडरस्टूड है और ये फीलिंग आप कहीं पर भी देख लीजिए आप भले ही कोई हॉरर मूवी देख रहे हो कोई एक्शन मूवी देख रहे हो कोई इंटेलेक्चुअल मूवी देख रहे हो कोई भी मूवी देख रहे हो वहाँ पे जहा पे ऑडियंस को रिफ्लेक्ट करना है ना वहां वो लोग साइलेंस छोड़ देते हैं हल्की सी म्यूजिक के साथ उसका रीजन है क्योंकि आपका दिमाग वहां पे सोचता है ये सेम चीज यहाँ पे आपकी एनर्जी यूज होगी नाउ आप यहाँ पे अपनी इमेजिनेशन यूज कर रहे हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे एक क्रिएटिव आर्टवर्क बना के या एक क्रिएटिव तरीके से अब जब आप यहाँ पे आते हो तो आपने अंदर आपके अंदर जो आंसर्स है जो इनर सेल्फ आपके आंसर्स आपको देता है उसको आप एक्सप्लोर कर रहे हो जो यूजुअली सही तरीका होता है आगे जाने का क्योंकि आपने सोच विचार किया है उसके बाद ही आंसर आपके पास आया है और अब जब आप इसको यूज करते हो एक नया तरीका कोई काम करने का या एक काम करने का तरीका वही था आपने किसी और नए काम में उसको डाला है कोई नया आंसर निकाला है कोई नया रिजल्ट निकाला है वॉट इज दैट क्रिएटिविटी बॉस ओके अब आप वापस उस क्रिएटिव प्रोसेस में आ गए जिससे आपको ग्रोथ मिलेगी एज एन आर्टिस्ट एंड दैट इज वाई यू स्टे साइलेंट सो अगर आप एक ऐसे पोजिशन में थे अभी जहां पे आपका या तो समझ नहीं आ रहा है या तो ऐसा समझ रहा है बस लग रहा है कुछ बोलू मैं मत बोलू शांत रहो बहुत हेल्प हो जाएगी थैंक यू सो मच